नीलो भाई को फोन करके बुलाया अपने को। अरे कुछ नहीं रे, ये मेरी सहेली गुंडी। अरे पहचानता अपन इसको। हाँ तू मेरे को पहचानता? पहचानता क्या, अपन तो तेरे को जानता भी है। हाँ? मुझे जानता भी है? अरे वो सब बातें छोड़, तेरे को है ना इसका एक काम करने का है। एक काम? अरे ये अपन को बोलेंगी ना तो अपन इसका 10 काम करेंगे। 10 काम? एक काम कर, 10 काम करने की कोई जरूरत नहीं है। काम बोल काम। सुन मेरा एक दोस्त है पहलवान, उसको उठा के ना इधर लेके आ। सुन लेकिन प्यार से। ठीक है ठीक है, तेरे प्यार को प्यार से लाता है अपन। चलता है। कहाँ मिलेंगे पहलवान, अब उसके एरिया में देखना पड़ेगा। ए भाई पहलवान को पहचानते हो? फिर पहचानता ना मैं। कहाँ मिलेगा पहलवान? ये रखो उसके दोस्त के साथ बैठे ले। ओके थैंक यू। ए पहलवान चल चल तू। कौन है तू और मेरे को कहाँ पे लेके जा रहा? ए चल बोला ना तो सीधे चलने का, रघु को ज्यादा सवाल जवाब पसंद है ही नहीं, समझा ना? चल। ओ भाई पर पहलवान मैंने ना। है? वो पहलवान नहीं है तो फिर पहलवान है कौन? पहलवान मैं, बोल क्या बात है। तू पहलवान है? ओए हसरा क्या, मेरा नाम पहलवान है, मैं अखाड़े का पहलवान नहीं है। आई बात समझ में? समझ गया समझ गया। जब चिल्ला गया खदे पे सलमान शाहरुख क्या चीज है? ए? यहाँ गधा कौन है? अरे ये तेरे को बोला ना गधा वो। आसरा क्या? ए, वो सब छोड़, पहलवान तू है ना? हाँ मेरा नाम पहलवान है, बोल क्या काम है? चल मेरे साथ। और नहीं आया तेरे? नहीं आया तो तेरी मर्जी। oh, no. मेरा क्या है, तेरा ही नुकसान है। मेरा नुकसान है? और लेके जा रहा था तुम्हें को? अरे वो गुंडी ने बोला तेरे को लाने के लिए, इसलिए आया मैं। अच्छा वो गुंडी ने बुलाई? नहीं आ रहा, और जाके बोल दे उसको चल। ठीक है नहीं आ रहा, अपुन को क्या है, तेरा नुकसान है, चल चलता अपुन। वाह यार पहलवान, गुंडू तेरे को बार बार बुला रही, अगर मेरे को एक बार भी बुलाती ना तो मैं दौड़ते दौड़ते चला जाता। एक बात समझ में नहीं आ रही मोटू, गुंडी इतनी खूबसूरत और मैं देख, वो इतने पैसे वाली और मैं इतना गरीब, तो क्या हुआ? अरे तूने वो पिक्चर नहीं देखी क्या, प्यार झुकता नहीं? उसमें नहीं क्या मिथुंदा गरीब रहता, और वो जो पद्मिनी कोल्हापुरी जो रहती ना वो पैसे वाली रहती। अरे मोटू वो सब सिर्फ फिल्मों में चलता, रियल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। अरे पहलवान फिल्में भी तो रियल जिंदगी पे बनती ना, और राइटरों को स्टोरी भी तो वैसी मिलती ना। ऐसा इसका मतलब गुंडी से मेरे को अब बच के रहना पड़ेगा। हिला मुझे घमंडी बोला, बदतमीज बोला? अरे गुंडी रघु झूठ थोड़ी बोलेगा। अरे वो तो तुमने बोला था कि उसको प्यार से लाना, ये मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया। अरे मैंने तो उसके हाथ जोड़े पैर पड़े मगर साले को कुछ फर्क नहीं पड़ा। मुझे घमंडी बोलता और खुद कितना घमंडी है, इतनी सी बात नहीं समझ रहा मैं। अरे उसकी ना एक बात मुझे बहुत खराब लगी। कौन सी बात? अरे जान दे गुंडी सुनेगी ना बहुत खराब लगेगा उसको, दिल टूट जाएगा उसका। ए रघु बोल क्या बोला उसने, सुनना चाहती मैं। बोल बोल क्या बोला उसने, बोल। अब तुम लोग इतना जिद कर रहे ना तो बता देता। उसने बोला किसी बंदरिया से दिल लगा लूंगा मगर गुंडी से दिल नहीं लगाऊंगा। देखती ना वो बंदर को मैं, कौन सी बंदरिया से दिल लगाता हूँ। गुंडी छोड़ ना, क्यों गुस्सा कर रही है? पर हो भी ना बहुत भाव खा रहा है। ए नीलो देखो तो मालूम है ना कि गुंडी ने आज तक किसी से दिल नहीं लगाया, और हाँ एक चीज है, जो चीज मुझे अच्छी लगती ना मैं उसको हासिल करके ही रहती। हाँ गुंडी मुझे सब पता है, पर वो है ना थोड़ी टेढ़ी खीर लग रहा है। नीलो ये तो वही बात हो गई, ए दिल तू बस इतना समझ ले, जिसे तू खोना नहीं चाहता वो तेरा खोना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है देखती मैं उसको।
गुंडी जी अब यहाँ का घूम नहीं रही हूँ मैं, वो तेरे दोस्त को ढूंढ रही हूँ। आज उसको छोड़ूंगी नहीं मैं, क्या समझता है आपने आपको? हाँ गुंडी जी, छोड़ना मत उसको, उसके ना हाथ पेट तोड़ डालो। ए, तो उसको दोस्त है क्या दुश्मन है? गुंडी जी मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, आप उसको गुस्सा कर रहे हो या प्यार कर रहे हो? देखो क्या लगता है? मेरे को तो लगता है ना आप पहलवान से प्यार करते हो। अरे इसी बात का तो फायदा उठा रहा है, लेकिन ना आज मुझे बहुत गुस्सा है उसके ऊपर। आज अगर वो मिल गया ना उसका मुंह लोच लूंगी मैं। अच्छा वो सब छोड़, वो कहाँ मिलेगा वो बता मुझे। वो है ना पीछे गैरेज पे मिलेगा। हाँ अच्छा मैं चलता। मैं तो बोलता कहीं जाके छुप जा तू। ये क्या हो गया इतना बुरा बुरा चिल्ला रहा, कहा भूकंप आ गया? अरे वो गुंडी ना बहुत गुस्से में तेरे को ढूंढ रही, तू अगर मिल गया ना वो तेरा मुंह नोच लेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी जो मुझे वो मिल गई थी? अरे वो सब छोड़, बे क्या बोलता तू यहाँ से जल्दी भाग जा, वो तूफान में लेना कभी भी यहाँ पे पहुँच सकती है। हाँ वहाँ मोटू तू सही बोल रहा, मैं जाता जब तू भी। बाबरे जा चोरों का डर वही शाम होगी पहलवान। सलाम अलैकुम आपा जान। ए आपा जान। इधर इधर। हाँ नवीन बोल क्या बोल रही? एक बात बताओ आपा, आप मुझे पहचानती क्या? नहीं बहन नहीं पहचानती मैं तेको। तो तुमने मुझे सलाम कैसे किया? आवा बहन सलाम तो अल्लाह का कलाम है, किसको भी कर सकते। मैंने कहा जरा सा तेको सलाम कर दी, तूने इतनी दूर से बुला ली मेरे को, कह क्या कह रही? तो फिर ये आदमी वाले जूते क्यों पहने तुमने? और तुम्हारी चाल भी मर्दाने वाली है, सही सही बता ना कौन हो आपा तुम? वो ना मैं ना वो मैं क्या? ए पहलवान भागना मत। आइला ये क्या सॉन्ग है? बुर्का पहन के क्यों घूम रहा तू? तेरी वजह से पहन के फिर रहा बुर्का। हाँ मेरी वजह से? Oh, no. क्यों मैंने बोला तुझे बुर्का पहनने को? Oh, no. तो फिर क्या बात है? अरे वो मोटू है ना मेरा दोस्त, उसने मेरे को बताया कि बोले वो गुंडी बहुत गुस्से में है तेको ढूंढ रही, बोले वो तेरे से बचने के वास्ते मेरे को बुर्का पहनना पड़ा। आइला मेरे से बचने के लिए तू बुर्का पहन के घूम रहा है? तू तो बहुत बड़ा पागल है रे। हाँ, तू तो बहुत समझदार है। हाँ, समझदार ही अक्सर गलतियाँ करते हैं। कभी देखा है किसी पागल को मोहब्बत करते हुए? हाँ तूने सही बोली, कोई पागल मोहब्बत नहीं करता, लेकिन ये भी सच है कि इंसान मोहब्बत करके पागल हो जाता। सुन मेरे को पागल होने का नहीं है, मैं चला। अरे नीलो तू आ गई। oh, no. अरे मेरी जान गुंडी, आज तो तू बहुत खुश लग रही है, क्या हुआ? उन्होंने गुफ्तगू की हमसे, हाय दिल की धड़कनों ने उधम मचा रखा है। इसका मतलब पहलवान से तेरी फाइनल बात हो गई? जल्दी बता जल्दी बता, कहाँ मिला था वो और कौन से गार्डन में बैठे थे तू? और क्या क्या बातें हैं तुम दोनों के बीच में? आईला अरे नीलो जरा ब्रेक लगा, अरे ब्रेक लगा। कोई गार्डन में नहीं बैठे थे, गली के नुक्कड़ पे खड़े रह के बात हुई हमारी। ऐसा मुझे लगा। अरे सबसे मजे की बात, मुझसे डर के बुर्का पहन के घूम रहा था। क्या बुर्का? अरे हाँ बुर्का। पता नहीं यार कि उसको देख के मुझे ना उस पर बहुत प्यार आता, उसकी ना मुझे हर हरकत अच्छी लगती है। वैसे गुंडी तू तो उसे सबक सिखाने गई थी ना? उन्हें क्या सबक सिखाते, जिन्हें देख के हम खुद प्रेम की किताब पढ़ने लगे। अरे पहलवान तू बुर्के में बहुत अच्छा दिख रहा, तुमको ना गुंडी पहचान भी नहीं पाएगी। अरे बा मोटू पहचान ली उसने मेरे को।
वो चानी है वो। इसका मतलब गुंडी ने तेरी अच्छे से चमकी की होंगी ना। बोल सही बोला रे, बोल। अरे नहीं रे, मारी गिरी नहीं उसने मेरे को, वो तो मेरे से हंस हंस के बात कर रही थी। पर पहलवान एक बात समझ में नहीं आ रही यार। कौन सी बात रे मोटू? वो तो बहुत गुस्से में तेरे को ढूंढ रही थी, अब तू बोल रहा कि तेरे से वो हंस हंस के बातें कर रही थी। पहलवान एक बात तो तू मान ले कि वो तुझसे प्यार करती है। अरे मोटू पहलवान इतना भी एड़ा नहीं है, कोई मुझे प्यार करे और मैं उसको पहचान ना सकूं। हाँ इसका मतलब तेरे को मालूम है कि वो तुझसे प्यार करती है? हाँ मुझे पता है कि वो मेरे से बहुत प्यार करती है। फिर तू उससे इतना दूर क्यों भाग रहा है? अबे मोटू उसको देख कितने बड़े घर की लड़की है वो, अपन का फुटपाथ पे रहने वाले लोग हैं। तू बता जोड़ी जमी क्या हमारी दोनों की? पर एक बात है मोटू, मैंने ना उसका बहुत दिल दुखाया, जब भी मौका मिलेगा ना तो मैं उससे माफी मांग लूंगा। हाँ कभी क्यों अभी क्यों नहीं? अबे कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर, चल। ओए मां सही बोला मोटू तूने, पकड़ ये चल। ये हुई ना बात। क्या तुम मोटू गुंडी तो कहीं देख नहीं रही यार। अबे जाना उस घर की बेल बजाना, जैसे कि तू इस घर का होने वाला दामाद है। मेरे को मार खिलाने के काम कर रहा क्या? क्या माँ बाप होंगे ना घर में? अबे मेरे को जब भी मौका मिलेगा ना उससे माफी मांग लूंगा आके मैं। चल चल तू यहाँ से, कुछ भी उल्टे सीधे आइडिया देते रहता। बात है पहलवान, आज तो सवेरे सवेरे दर्शन हो गए और कसम से दिल ही दिल में तेरे बारे में सोच रहे थे और तू सामने आ गया। बोल किधर निकले तुम सुबह सुबह? हाँ मैं तेरे से मिलने आया था गुंडी। हाँ मुझसे मिलने आया? ये नहीं लो चिमटी ले, कोई मैं सपना तो नहीं देख रही? नहीं नहीं मैं सपना नहीं देख रही। ऐसा तो मुलाकातें शुरू हो गई है। तू सच में मुझे मिलने आया? और ये पहलवान उसको देख के भाग जाया करता था, आज बैल बन के उसके सामने खड़ा है। गुंडी हिला रहा। ए, ए गुंडी प्लीज प्लीज तू ज्यादा खुश मत हो बा, ऐसी कोई बात नहीं है, तू गलत सोच रही, मैं तो तेरे से माफी मांगने आया था। माफी? पर किस बात की माफी? तूने ये माफी मांगी है ना मेरे से तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। एक बात बता, तूने सोच लिया है क्या मुझसे दूर रहने का और मुझे परेशान करने का? अरे गुंडी ऐसी बात नहीं है, वो क्या है ना पहलवान इसलिए डरता है कि तू पैसे वाली है और वो गरीब है। दत तेरे की। अरे कौन से जमाने में जी रहा है तू? इस जमाने में हमारी गरीबी की बातें कर रहे थे। अरे पहलवान मेरी सहेली गुंडी है ना इन बातों को नहीं मानती और तू बहुत खुश नसीब है। मजबूरी बता दे रही, अभी कैब भी सॉल्व कर देती। नहीं गुंडी प्लीज तू बुरा मत मानना, इस बारे में मुझे सोचने का मौका दे, मैं तुझे सोच के बताता हूँ। अच्छा ठीक है सोच ले फिर बताना। ठीक है चल मां। क्या गुंडी क्यों जाने दिया उसे, आज तो फाइनली बात कर ही लेती उसे। अरे नीलो हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी होगी। चल गुंडी हमेशा ऐसे ही करती है, हर वक्त लेट आती है। Oh, shit! Oh, shit! अब आएगी। क्या गुंडी कब से तेरा इंतजार कर रही मैं? और तेरी है ना इंतजार कराने की आदत जाएगी नहीं। अरे नीलो मेरी जान जो इंतजार करने में मजा है ना वो मैं तुझे बता ही नहीं सकती। वो सब छोड़ तूने मुझे फोन करके इतना अर्जेंट क्यों बुलाया इधर? अरे आज संक्रांत है ना। अच्छा आज संक्रांत है? मैडम मेरे को मालूम है आज संक्रांत है, ये बात मुझे फोन पे भी बोल सकती थी ना, यहाँ बुलाना जरूरी थे क्या? ये देख तिलगुल के लड्डू, ये मैंने मेरे हाथों से बनाए।
ये लड्डू मेरे हाथों से पहलवान को प्यार से खिलाऊंगी और हमारे दोनों में प्यार बढ़ेगा। अच्छा वो पहलवान तुझे इस सहेली से ज्यादा बढ़कर हो गया। देख मिलो तू मेरी दोस्त है और वो मेरा प्यार है और प्यार तो प्यार होता है ना। हाँ आई बड़ी प्यार वाली। चल हाँ हाँ चल। Oh no! अरे रघु तू। हाँ मैं। तिल गुड़ खिलाओ और मीठा मीठा बोलो। ए, तुझे काय को खिलाएंगे तिल गुड़? हाँ आज संक्रांत है ना। अच्छा देखो तिल गुड़ खाना है। ये ले पकड़। देख क्या रहा है? 5 रुपए की तिल और 5 रुपए का गुड़ लेके खा लेना और मुंह मीठा कर लेना और मीठा मीठा बोलना। बाय। ये बहुत गलत करी गुंडी तूने। पहलवान के लिए लड्डू और ये रघु के लिए ये 10 रुपये। अबू ने ना MP घूमने जाएंगे। Oh no! अरे बाप रे पहलवान, गुंडी और उसकी सहेली आ रही। बाप रे मत। ए रुको रे रुको। अबे एड़े अब तुमको भागने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ना गुंडी किसी को नहीं मारेंगी आज के बाद। तो पहलवान ऐसे भी कोई लड़की से डरता क्या? ये पहलवान तिल गुड़ का लड्डू खा और मीठा मीठा बोल। अरे गुंडी ये तिल गुड़ का लड्डू खाने से क्या आदमी मीठा मीठा बोलता क्या? अरे एड़ी ये लड्डू खाने से तो फिर मुंह मीठा होता। अच्छा तो तू बोल। oh, no! क्या खाने से आदमी का मुंह मीठा होता है? करेले से? अयो नहीं जी, करेला खाने से तो आदमी कड़ू बोलता जी, दही जमा के। हाँ तेरे दोस्त को समझा। करेले से कड़वा ही बोलेगा ना आदमी और मीठा खाने से मीठा बोलेगा। अरे गुंडी जी वो पहलवान को छोड़ो, उसका लड्डू ना हमको खिलाओ, हम देखो कैसे मिट्टे मिट्टे बोलते। बुक्कर कही के खिला दो इसको सब लड्डू। ए पहलवान तुझे पता भी है गुंडी ने अपने हाथ से लड्डू बनाए वो भी तेरे लिए और तू लड्डू के मजाक कर रहा है? ए नीलो छोड़, इसको बताने से क्या फायदा, ये कौन सी बात समझता ही नहीं। गुंडी ए गुंडी गुंडी तेरे ये लड्डू मैं एक ही शर्त पे खाऊंगा। बोल। देखो मेरे साथ एक शर्त लगाना पड़ेगी। चाहिला? बोल कौन सी शर्त? देखो ना मेरे साथ पतंग की शर्त लगाना पड़ेगी और तू मेरी पतंग काट के बता। अगर मैंने तेरी पतंग काट के दिखाई तो? तो क्या मैं तेरे हाथ के बने हुए ये लड्डू खा लूंगा और मीठा मीठा बोलूंगा। और हाँ शर्त अगर मैं जीत गया तो तू बोल आज के बाद तू मेरा पीछा नहीं करेंगी और सुन आज के बाद तू मुझे सताएंगे भी नहीं। चाहिला? ओके ठीक है चल आजा मैदान में पतंग लेके, मिलते हैं वहां पे। ठीक है चलो रे मंडली, चलो रे जल्दी जल्दी चलो रे। अरे चल रे तू तो अलग है। अबे रुक पहलवान, पैर दुख रे। रुक ना। क्या रे पहलवान? गुंडी अच्छा प्यार से लड्डू खिलाने आई थी तो खा लेना था ना गुपचुप। ऐसा तो फिर अरे तेरे साथ हमको भी लड्डू खाने को मिल जाते थे। ये पहलवान ये मोटू सही बोला जी, वो गुंडी इतनी प्यार से लड्डू खिला रही थी तुमने खा लेना था जी, शरत लगाने की क्या जरूरत है? अगर तू शरत हार गया तो हमारी तो इज्जत चली जाएगी ना। अरे मुंह बंद करो दुआड़ो, और तुम्हारी काय की इज्जत रे, लड़के के हाथ की मार खाने वालों। आयो पहलवान चुप करो जी, वो छोकरी के हाथ का मार भी हम तुम्हारे लिए खाया था जी। सही कहा अन्ना तूने, हाँ जो गुंडी के हाथ से जो मार खाया ना वो भी तेरी वजह से खाया था मैंने। चुप करो रे, मेरे हाथ से काय को मार खाए रहे तुमने? अरे वो लड़के के सामने जाके तुम चोरे चाले करेंगे, वो तो मारेंगे ना तुमको क्या तुम्हारी पूजा करेंगे? पहलवान पहचाना क्या अपन को? हाँ पहचाना ना, गुंडी का चम्मच है ना तू। गलत, चम्मच तो अपन किसी का नहीं है। ऐसा? जिस दिन तेरे को अपनी असलियत का पता चलेगा ना उस दिन तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। रघु नाम है अपन का, रघु। ए कुछ भी नाम हो तेरा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चल निकल इधर से। ठीक है ठीक है, अभी जा रहा है अपन, मिलते हैं फिर फुर्सत में।
देख देख और की कितने ऊपर गई ना बहुत लग रहा ना कह रहे नहीं लो पहलवान और ये लोग अभी तक आए ना अरे वो क्यों आएगा वो लड्डू खाने से डर रहा होगा ना गुंडी आप देखता तू पहलवान से कैसे पेट लड़ाती देख कैसी काटता मैं तेरी बताऊं पहलवान से पेट लड़ा रही नैन मटक्का कर रही गुंडी ओह नो तेरी एक भी पतंग हवा में उड़ने नहीं दूंगा ए नीलो ये देख ये पतंग किसकी है अरे गुंडी मुझे ऐसा लगता है ये पहलवान की पतंग होगी कहीं चुपके से उड़ा रहा है वो अच्छा आजा मैदान में आज तो गुंडी की पतंग काट के रहूंगा अच्छा मेरे से पेट लड़ा रही अब आया उठ पहाड़ के नीचे उड़ाने दे मैं भी देख अभी कैसे काटती हाँ काट काट ए, 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 ये देख 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 गुंडी गई तेरी पतंग oh, no! गुंडी तूने आज तो बहुत बड़ी चोट दी रघु की पतंग काट दी हम कैसी की हार गए वो तेरी पतंग जो मैंने काटी रेडी पहलवान ने तो अभी पतंग उड़ाया नहीं तूने काटी कैसी क्या अभी तक उड़ाई नहीं जा उड़ा ले ले पहलवान ए मोटू जा पतंग उड़ा के चल जा पहलवान मैंने जाता अरे मोटे डांगर वो तिल के लड्डू खाने का है के नहीं देखू हाँ खाने के ना तो फिर जाना उड़ा ना जमा वो वहां जाओ झाड़ के पास जा जा उधर जा जमा हाँ पहलवान उड़ाओ क्या हाँ मोटू उड़ा उड़ा जल्दी उड़ा उड़ा हाँ ये 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 बे मोडू अबे उल और जल्दी उड़ा दे अबे तेरे को पहले बोला था ना पहलवान मैंने उड़ा दो अरे हाँ तूने बोला था लेकिन उठ जल्दी उड़ा दो अबे यार अन्ना ये तो सिर्फ खाने का घोर है ये हमें पहले बोला था जी मत लो उसको कोई काम का नहीं है सिर्फ खाने का घोर है जी दुश्मन की हंसी कर दे रहा हाँ पहलवान हाँ देख हाँ उड़ा उड़ा हाँ उड़ाओ ना उड़ा हाँ ये ले पहलवान की पतंग उड़ रही है मामूली आदमी की पतंग नहीं है क्या बोलता ना एक नंबर जी पहलवान से पंगा ले रही हो पहलवान को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है देखना नहीं लो पहलवान कितना खुश है ना मेरा दिल नहीं कर रहा यार उसकी पतंग काट के उसको हरा दो अगर तूने उसे हराया नहीं ना तो वो तुझे हरा देगा और हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाएगा वो अपने काम पे ध्यान दो अपुन तू चाहती है क्या वो हमेशा के लिए तुझसे दूर हो जाए नहीं मैं तो चाहती वो हमेशा मेरे साथ में रहे गुंडी फिर काट दे उसकी पतंग देगा काटती उसकी पतंग पहलवान की पतंग है कोई मामूली आदमी की पतंग नहीं है ए पहलवान अब देख तेरी पतंग कट होने का टाइम आ गया पहलवान हमेशा रेडी रहता चल आजा लड़ा ले ए नीलू डील जो डील दिल देना दिल दे दिल दे पहलवान दिल दे दिल दे बाप रे पहलवान की पतंग पहलवान गया
तारा पूछ होने की जरूरत नहीं है। पहलवान की पतंग कटी होटी नहीं, वो तो हाथ से धागा टूट के चले गया। ए पहलवान, वो सब मुझे कुछ मालूम नहीं। पतंग गई, तू हार गया, गुंडी जीत गई। अब तुझे लड्डू काले पड़ेंगे। गोल खा आणि गोल गोल बोला, तिल गोल खा आणि गोल गोल बोला, तिल गोल खा आणि गोल गोल बोला। ए पहलवान, ओय मां, देखो मैंने तिल गुळ का लड्डू दिया, जहर नहीं दिया, तू टेढ़े मेढ़े मुंह करके खा रहा है। ये ले, ठीक से खा। मैं दोपहर में खा के आया था मैंने, बस इतना बस। तिल गोल खा आणि मीठा मीठा बोला, गोल गोल बोला। ये गंडी जी हमने क्या कर रहा जी, हमको भी तो ना। ओह नो, ये तिल गुल का अनमिटा मिट्टा बोला, तिल गुल का अनमिटा मिट्टा बोला। तो खाने को मिल गया उतने ही मीठा बोलेगा तू। गुंडी जी, ये लड्डू का डब्बा मेरे को दे दो, मैं सारे लड्डू खा जाऊंगा। क्या रे पहलवान, तेरा सच्चा प्यार तेरे सामने खड़ा है, वो तुझे दिख नहीं रहा, और ऐसे झूठे मक्कार दोस्त लेके घूम रहे। मैं कुछ समझा नहीं। तेरे पतंग का धागा कुछ टूटा नहीं था, वो धागा ये मोटू ने तोड़ा था। ओए मां, ये लड्डू के लालच में। अरे मोटिया, अबे साले तूने दोस्त को धोखा दिया सिर्फ ये लड्डू के वास्ते। दोस्त को हरा दिया, पहलवान को हरा तूने। मारा दिए अब पहलवान, मारो मारो, मार पहलवान, ऐसा ही चाहिए। उसने अरे नीलो, मैं जीत कर भी हार गई रे। अरे बस करो, जितनी उसकी गलती थी उतना उसे मार खा लिया, बस करो अभी। ए, तीगुड़ खा अरे गोड़ गोड़।